फॉर एग्जाम्पल आपके पास इमेजिन करो एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट ऊपर है आई वन। मेरा क्वेश्चन है कि सपोज ये एक और करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट है आई टू, राइट, टेबल पे पड़ी हुई है। ये फोर्स, ये जो वायर है, ये फोर्स इसके ऊपर कहां लगेगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी मूवमेंट क्या होगी, ऊपर नीचे लेफ्ट की राइट, ये क्वेश्चन है। आप शॉर्टकट नहीं लगा सकते क्योंकि शॉर्टकट टू पैरेलल वायर का था, तो टू परपेंडिकुलर का नहीं था, तो इसमें दो परपेंडिकुलर है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये वायर यहां पे बी लगाएगी, फिर बी देखो कहां लगेगा, फिर फ्लेमिंग का रूल लगाओ और चेक करो फोर्स कैसे लग रही है, इसकी मोशन कैसी होगी। कितने लोग बोलते हैं कि इसकी मोशन ऊपर होगी, कितने लोग बोलते हैं इसकी मोशन नीचे होगी, और कोई आंसर? ओके, मुझे एक चीज का आंसर दें प्लीज। सबसे पहले ये करंट कैरिंग वायर में करंट ऊपर है, ये बी की डायरेक्शन क्या होगी, राइट की तरफ, क्योंकि करंट ऊपर है, थंब ऊपर है, तो बी कैसे होगा, इनवर्ड, तो यहां पर बी कैसे होगा, इसकी वजह से इनवर्ड। अब बी की वैल्यू यहां पर ज्यादा होगी क्योंकि इसकी दूरी कम है, यहां पर बी कम होगा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, सबसे कम यहां पे होगा क्योंकि जितनी दूर जाएंगे बी कम हो रहा है। अब बी कम हो रहा है तो इस केस में एक एलिमेंट अगर लें स्मॉल लेंथ जिसमें करंट राइट है और बी यहां पर कैसे है, इनसाइड है, या फोर्स एक्सपीरियंस कैसी होगी, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, बी कैसे है, इनसाइड है, करंट कैसे है, राइट है, फोर्स कैसे लगेगी, ऊपर। आपने ठीक बोला, फोर्स की जो वैल्यू है डायरेक्शन कहां लगेगी, ऊपर इस एलिमेंट पे, क्योंकि बी स्ट्रांग है तो फोर्स भी स्ट्रांग लगेगी, तो यहां पर जो फोर्स है वो काफी बड़ी लगेगी। अगले पॉइंट पर बी कमजोर हो गया तो इस लेंथ के ऊपर फोर्स भी थोड़ी सी कमजोर हो गई, अगले पॉइंट पर फोर्स और कमजोर हो गई, और कमजोर हो गई, और कमजोर हो गई, तो आपको ऐसी फीलिंग नहीं आ रही कि फोर्स की वैल्यू बराबर नहीं लग रही पूरी वायर पे, तो ये वायर कैसे मूव करेगी, यहां फोर्स ज्यादा है, कम कम कम, उठाएं, ऐसे ये उठा नहीं पा रहा, ये उठा पा रहा है, ऊपर तो जाएगी लेकिन साथ साथ घूमेगी भी, अनइक्वल फोर्सेस हैं। तो इसका आंसर ऑब्जेक्टिव में लिखा होगा, इसमें वायर ट्रांसलेशन मोशन में होगी एंड रोटेशनल मोशन में भी होगी, ये ऑप्शन मार्क करना है और ये आएगा पेपर में, ऐसे केस में कौन सी मोशन होगी बॉडी में, ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशनल, इसमें टॉर्क जनरेट होगा, ये घूमेगी अनइक्वल फोर्सेस की वजह से, ये ऐसे घूमेगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, तो फॉर्मूला प्रोग्राम में नोट लिख सकते हो इसे। ठीक, अब दूसरी चीज समझो, दूसरा क्वेश्चन कैसा आएगा, देखो इसमें क्वेश्चन ऐसा आएगा, इसका आंसर दें प्लीज, कि सपोज करो आपके पास फिर से एक करंट कैरिंग वायर है, ये रही आपके पास करंट कैरिंग वायर जिसमें करंट ऊपर है, इसके सामने एक लूप है, ये रहा करंट कैरिंग लूप है अगेन,
तो जिसमें करंट कैसे है, करंट ऐसे है, ये लो ये करंट है, राइट। तो इमेजिन करो यहां पे करंट मान लो 2 एम्पियर है, ये जो डिस्टेंस यहां से यहां तक है ये 1 मीटर है, ये जो डिस्टेंस यहां से यहां तक है ये अगेन 5 मीटर है सपोज, ये करंट 3 एम्पियर है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि ये बताओ कि चार वायर्स हैं, चारों पे फोर्स क्या लगेगी, ठीक, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं, यहां पे बी की वैल्यू, यहां पे करंट ऊपर जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, बी कैसे होगा यहां पर, हर पॉइंट पर इनसाइड, तो ये तो बात पक्की है कि बी तो इसमें इनसाइड ही होगा, पॉइंट नंबर 1। अब यहां पर बी इनसाइड है, करंट नीचे है, तो फोर्स एक्सपीरियंस कहां पर होगी, बी बोर्ड के अंदर है, करंट नीचे है, तो फोर्स कहां पर है, राइट, तो फोर्स यहां पर राइट है। इतना ना करते हुए आप शॉर्टकट भी मार सकते हो, टू वायर्स कैरिंग करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन विल रिपेल, तो अट्रैक्ट राइट की तरफ ही आना था, तो नहीं लगाना, ऐसे बोल देना। अब जैसे ये वायर है और ये वायर है, इनमें करंट सेम डायरेक्शन में, दे विल अट्रैक्ट, ऐसे बोले करके भी देख लें एक बार, बी इसमें कैसे है, इनसाइड है, तो बी फ्लेमिंग का रूल, इनसाइड है, करंट इधर है, फोर्स कहां पर है, लेफ्ट है, ठीक। इसके अंदर ये फोर्स की वैल्यू क्या है, F1 की वैल्यू क्या होगी, F1 की वैल्यू होगी म्यू नॉट बाय, नहीं, F1 की वैल्यू होगी इसमें बी। अब F1 बी किसका यूज करेगा, वायर नंबर 1 का, तो वायर नंबर 1 का यहां पर B1 आएगा, तो B1 इनटू करंट कितना यूज करेगा, अपना BI, लेंथ कितनी यूज करेगा, अपनी पूरी लेंथ कितनी, इसकी 5 मीटर का स्क्वायर है, तो इनटू 5 साइन ऑफ 90, क्लियर है यहां तक, ये फोर्स की वैल्यू आ गई टुवर्ड्स राइट। अब अगर मैं फोर्स F2 की बात करता हूं, F2 ये रेट, F2 ये अगर फोर्स है, F2 ये F2 फोर्स के अंदर बी किसका यूज करेगी, ये बी की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट वायर की वजह से कितना, बी की वैल्यू होगी म्यू नॉट बाय 4 पाई, 2 इंटू करंट कितना है 2 डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस कितना है 5 प्लस 1 6, बी आ गया म्यू नॉट बाय 4 पाई, 2 इंटू आई बाय आर। अब F2 की वैल्यू क्या होगी, बी ये रहा म्यू नॉट बाय 4 पाई, 2 इंटू आई डिवाइडेड बाय आर इंटू बी, करंट ही अपना यूज करेगी 3, लेंथ इसकी भी 5 है और साइन ऑफ 90। ये फोर्स और ये फोर्स अनइक्वल फोर्सेस हैं, और वैसे भी अनइक्वल इसलिए ये ज्यादा नजदीक है तो फोर्स बड़ी लगेगी, ये वायर दूर हो गई फोर्स कमजोर लगेगी। तो हॉरिजॉन्टल में एक फोर्स बड़ी एक फोर्स छोटी, तो बड़ी कौन सी है, F1, तो नेट फोर्स क्या होगी हॉरिजॉन्टल में, F1 माइनस F2 टुवर्ड्स राइट। अब बात करते हैं इन वायर्स की, इन वायर्स की क्या सिचुएशन होगी, इन वायर्स की ये सिचुएशन है कि ये बी कैसे जनरेट कर रहे हैं इनसाइड, यहां पे जो फोर्स लगने वाली है यहां पे कहां कैसे लगेगी, बी इनसाइड है, इसके अंदर करंट राइट है, फोर्स अपवर्ड है, यहां पर फोर्स ज्यादा लगेगी, फिर कम लगेगी, फिर कम लगेगी, फिर कम लगेगी, ऐसे कम होती जाएगी, और सेम सिचुएशन इसमें, अगर करंट राइट है तो फोर्स ऊपर, करंट लेफ्ट है तो फोर्स नीचे, तो फोर्स नीचे, फिर यहां पर भी नीचे, यहां पर भी नीचे, यहां पर भी नीचे, यहां पर भी नीचे, ऐसे। अब ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इसके इक्वल होगा, बराबर दूरी पे है, कैंसल 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 कैंसल, तो ये आपस में सारे अफेक्ट क्या होते जाएंगे, कैंसल, तो इसकी तरफ से कोई मोशन ही नहीं होगी, तो बची दो अनइक्वल फोर्सेस, तो नेट आंसर क्या आएगा, जो नेट फोर्स आएगी वो आएगी बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स, माइनस करेंगे नेट आंसर आएगा टुवर्ड्स राइट। कोई डाउट इसमें, कैसे सोचें, समझ में आ रहा है यहां तक, राइट, ऑनलाइन क्लियर है, यस सर। तो ये क्वेश्चन आपकी आज अनसॉल्व शीट में भी होगा, तो ये उसमें करेंगे, मैं बता चुका हूँ रोटेशनल मोशन इसमें। सर ऊपर नीचे वाली फोर्स कैंसिल क्यों हो गई, दोबारा से बता दो। वो इसलिए कैंसिल हो गई क्योंकि देखो ना, ये फोर्स अगर 3 न्यूटन, ये भी 3 है, कैंसिल, 2 है तो 2 है, 1 है तो 1, 0.5 0.5, इक्वल एंड ऑपोजिट, ऐसे कैंसिल, ठीक है।
ठीक है ना। ओके सर। तो अब जैसे सपोज ये एक क्वेश्चन है जिसमें तीन वायर्स हैं, ये आपकी पहली वायर, ये दूसरी और ये तीसरी, और मान लो 15 एम्पियर का करंट है, तो तीन वायर में पांच 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 डिवाइड हो गया। तो आपको ये बताना है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ ए बी और सी डी में क्या होगी। तो ए बी वायर को देखते हैं, तो ये आपके पास वायर ए बी है जिसके ऊपर फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है। इस वायर पे फोर्स कौन लगाएगा? एक ये वायर लगाएगी और एक ये वायर लगाएगी, राइट? ये वाली वायर और ये वाली वायर में करंट सेम डायरेक्शन में है, तो ये वायर इसे क्या करेगी? अट्रैक्ट। तो इसकी फोर्स कहां लगेगी? नीचे। ये वायर भी इसे क्या करेगी? अट्रैक्ट। फोर्स कहां लगेगी? नीचे। नेट फोर्स दोनों को ऐड करो। तो कोई कहता सर ये और ये फोर्स किस पे पूछी? नेट इस पे। तो सारे वेक्टर किस पे ड्रॉ करने हैं? इस पे डाउनवर्ड। तो आप इसमें और इसमें फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाले दोनों में, म्यू नॉट बाय 4 बाय 2 इंटू आई वन इंटू आई टू बाय, ये डिस्टेंस कितने? 1 सेंटीमीटर। ऐसे ये और ये में क्या होगा? म्यू नॉट बाय 4 बाय 2 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन डिस्टेंस कितना है इसमें? 2 इंटू 10 की पावर -2 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन चेंज हो गया, वो कहता है अब मुझे इस पे बताओ टोटल फोर्स क्या लगेगी, कौन लगाएगा आस पड़ोस की वायर्स? इसमें इसमें करंट सेम डायरेक्शन में है, तो ये क्या करेंगे आपस में? अट्रैक्ट। फोर्स ऊपर, सेम डायरेक्शन में, तो फोर्स ऊपर, तो एक फोर्स ऊपर एक फोर्स नीचे, और बराबर डिस्टेंस है बराबर करंट है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी? जीरो। आंसर इज जीरो। क्लियर है? इस क्वेश्चन में कोई मुझे बताएगा कि अगर करंट ऊपर जा रहा है और ये करंट कैरिंग लूप है, वैल्यू तो आप घर जाके निकालोगे निकालोगे इसकी जो निकालोगे, मुझे ये बताओ कि ओवरऑल लूप कहाँ जाएगा? लेफ्ट की राइट? अट्रैक्ट होगा इसकी तरफ कि रिपेल होगा? ये क्वेश्चन है। देखो ये करंट कहाँ है? ऊपर। ये करंट कहाँ है? ऊपर। तो आपस में अट्रैक्शन। ये करंट और ये करंट ऑपोजिट, रिपल्शन। किसका अफेक्ट बड़ा होगा? F1 की F2। F1 वो पास है, तो ओवरऑल ये लूप लेफ्ट जाएगा, और टॉर्क वाले दोनों फोर्सेस ये जो ऊपर नीचे आपस में क्या हो जाएंगी? कैंसल। तो ओवरऑल आंसर है अट्रैक्टिव। ऐसे ऑब्जेक्टिव आएंगे अट्रैक्टिव। तो नेक्स्ट, जैसे इसमें